बाबा मित्र गाबर लेली कि ये साल 2020 बिजनेस के लिए कितना खराब है। लेकिन व्हाट डिड आई नो, अरे कोरोना की वजह से नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रो होने लग गए। हाँ, सैनिटाइजर का बिजनेस। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? अग्रीव आओ ना। अरे आजकल जिधर देखो लोग सैनिटाइजर वही लिक्विड अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं, एंड पीपल आर ऑल्सो बाइंग। त्यादिवशी माझ्या मैत्रिणीने मला कॉल केलेला, यही पूछने के लिए, ए तेरे घर पे सैनिटाइजर है ना, कोई रिक्वायरमेंट है ना तो मुझे बताना। मेरे पास ना एक नया आया मिस्टिक सैनिटाइजर, क्या बॉटल में सैनिटाइजर भरो ऐसा फिश फिश करेंगे ना तो वाओ ऐसा फैल जाता है। इस भाई आदि टप्परवेयर का बिजनेस करे थी, उसके पहले ओरिफ्लेम, सेम ऐसा ही कॉल करती थी मुझे। वर्स्ट मिस्टेक, मैंने वो सैनिटाइजर वालों को बुलाया था जो नहीं क्या घर पे पूरा सैनिटाइज करते हैं। बाप रे, मेरे घर और सूरज वाटर पार्क में कोई डिफरेंस ही नहीं बचा, इतना पानी हो गया था। पेपर बोट अगर बनाती ना तो एक रूम से दूसरे रूम ऐसे मस्त तैरते जाता, और अगर मेरे पेंटिंग्स बोल पाते तो वो कहते कि बाबा होली जल्दी आ गई लगता है। अरे एवढं घाण होतं, मी त्या माणसाला विचारलं, अरे हॅलो ये जो पाणी बिनी सोडा आहे कौन साफ करेगा? उसने एक और कार्ड दिखाया और कहा हम लोग डीप क्लीनिंग भी करते हैं। अय्या कटका लगाते लगाते पाटा चढ़क ली। मैं बोली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। एक हॉस्पिटल को फोन लगाकर पूछा, ए तुमचे चार्जेस क्या है? दे वर लाइक 450, आ जाओ। मस्त थेरेपी किया, रिलैक्स हो गई, एंड डॉक्टर सेड कल भी आना, अच्छा लगेगा। आई वॉज लाइक ओके, लेकिन जो बिल आया आई वॉज नॉट ओके। एक नए बिजनेस के बारे में मालूम पड़ा, मेरा बिल 450 नहीं 800 आया। 350 रुपीज वाज हॉस्पिटल सैनिटाइजेशन चार्जेस दैट पेशेंट हैज टू पे एवरी टाइम दे विजिट। हे काय नवीन धंदे रे पापा। आणि एक मिनिट, दिस इज अ हॉस्पिटल, तो कोरोना नो कोरोना सैनिटाइजेशन तर तुम्हाला करायचंच आहे कंपल्सरी, त्यात तुम्ही पेशंटला कसे लुटतात? मतलब क्या चल रहे? ऐसा भी नहीं कि यहाँ के डॉक्टर नर्सेज ने मेरे आते ही पीपी किट बदल लिया, मास्क चेंज करके मिस्टिक सैनिटाइजर अपने ऊपर लगा दिया। अरे इफ यू आर चार्जिंग समवन सच अ बिग अमाउंट लाइक 350 रुपीस फॉर हॉस्पिटल सैनिटाइजेशन फीस तो सांगणार कोण? माझा दर्द पेट का अगर मान पे भी गया तो यू विल टेल अस कि उसका एक्स्ट्रा चार्ज है बिकॉज दिस इज डिफरेंट ट्रीटमेंट, और इतनी बड़ी बात आप बताए नहीं। छोड़ा नहीं मगर मैंने उनको, ये देखिए उनका सैनिटाइजर ना अपने खाली बोतल में भर कर लेकर आई मैं। सो आफ्टर दिस स्ट्रेसफुल डे मैं बोली एक सैलून में जाकर मस्त हेड मसाज करेंगे। एंट्री करते देवर लाइक या ना मैडम, पर उसके पहले ये किट है क्या, और इसमें ग्लोव्स है और शॉवर कैप, मास्क, सैनिटाइजर, वाओ छान फीलिंग आली। हेड मसाज के बाद जब बिल आया ना तो रोजून छान फीलिंग आली, क्योंकि मुझे एक और बिजनेस आइडिया के बारे में मालूम पड़ा। मैंने ना विचार लो, मैं तो मास्क पहन कर आई थी तो आपका ये ब्रांडेड मास्क मुझे देना और फिर मुझसे ही पैसे लेना, हेला का अर्थ आएगा? दे वर लाइक सॉरी मैडम दिस इज कंपल्सरी रूल। नो इट इज नॉट यू फूल। क्या करूं मैं अभी इतने सैनिटाइजर्स का बिजनेस स्टार्ट करूं मैं भी? चला मैं निकलते, आप ऐसे बिजनेस से जरा दूर रहिएगा, एंड अभी किधर भी जा रहे हैं ना पहले इंक्वायरी कीजिए जीएसटी सर्विस चार्ज के अलावा ऐसे कुछ सैनिटाइजर चार्जेस है भी या नहीं। शिल्पा माझी मैत्रीण आली, हाँ वही जो सैनिटाइजर बेचती है ना, जब से मैंने उसको ना बोला है उसने नया बिजनेस प्रपोजल मेरे सामने रखा, फैंसी डिजाइनर मास्क जो आपके कपड़ों के साथ मैच करेगा।